हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उमेश अरोड़ा फ्रॉम कैट किम स्पेशल मेरठ। और आज हम लोग जो है इसके अंदर बनाने वाले हैं, कैटिया के अंदर इस टाइप का एक पार्ट है, ये वाला बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैं ये वाली एक फाइल है, देखिए ये वाली, ये ड्राइंग हम बनाने वाले हैं। इसका 3D मॉडल ही है, तो इसको बनाते हैं हम कैटिया पे। करते हैं स्टार्ट यहाँ से। इसके अंदर एक ये मेरा टॉप व्यू है, एक फ्रंट है, एक साइड व्यू है और इस टाइप का दिखाई दे रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको साइड व्यू से, ताकि ये जल्दी बन पाए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, क्लिक करते हैं और यहाँ से क्लिक किया मैंने फ्रंट व्यू और इसे भी मैं ऊपर लगा देता हूँ। और यहाँ से ये शेप स्टार्ट करनी है, तो मैं जैसे कि पहले ही बोल चुका हूँ, जब आप बनाएं स्नैप को ऑन कर लेते हैं। स्नैप को ऑन किया, यहाँ से क्लिक ऊपर क्लिक और इधर से चलिए ले लेते हैं क्लिक, फिर इधर से, फिर यहाँ से चलेंगे और फिर ऊपर और यहाँ से इसे थोड़ा सा नीचे लेना है और एक क्लिक, ये मेरा ऐसा कुछ बन गया है। तो ये सब सेलेक्ट करिए, मिरर करेंगे क्योंकि ये पूरा मैंने सेलेक्ट कर दिया और मिरर करते हैं अबाउट दिस, ये आ गया। और इस लाइन को मैं क्लिक करता हूँ और कन्वर्ट कर देते हैं कंस्ट्रक्शन में। अब बात आती है डायमेंशन की, तो यहाँ से कंस्ट्रेंट लेते हैं और ये लाइन और ये लाइन दोनों क्लिक, डबल क्लिक किया और ये है 113। तो 113 से कुछ ऐसा बनता है, तो इसे मैं ड्रैग करता हूँ ताकि अंदर की तरफ आ जाए और इसे भी ड्रैग करिए ताकि ऐसा आ जाए, है ना, क्योंकि डायमेंशन जब छोटी रहती है तो कुछ ऐसा ही होता है। तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसे, इसलिए मैं पहले भी बोला था कि जो भी फर्स्ट लाइन बनाएं उसकी डायमेंशन करिए ताकि काम करना जो है आसान हो जाए। इसे क्लिक करता हूँ और टिक, ये है 39, डबल क्लिक करिए 39 और फिर इधर से क्लिक किया ये वाला, ये है 13 और फिर इधर से ये डिस्टेंस है 25। मिरर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, आप एक में चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली अपोजिट साइज चेंज होता हुआ जाएगा। और ये वाला गैप बचा है और ये है, डबल क्लिक करके कर देते हैं इसे 17 17। और इसके बाद ये करना है यहाँ से इसके बीच का क्लिक और बाकी जो डायमेंशन है वो भी कर लेते हैं। ये एक 30 रह गया है, तो ये डबल क्लिक करके इसे 30 कर दिया और टोटल हाइट जो है वो ये है 64। तो यहाँ से ये बॉटम का जो है ये वाला, इसे डबल क्लिक करते हैं और इसे कर देते हैं 64। देखिए जब भी आप कोई डिज़ाइन करें, कोई भी स्केच बनाएंगे, तो आपको कोशिश यही करनी है कि ऐसी जगह से स्टार्ट करें जहाँ से आपका स्केच मैक्सिमम पोर्शन को कवर करता हो। ये इसलिए मैंने इसको यहाँ से लिया और ये 50 और 50 के बाद एक काम और करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा मिरर एक्सटेंड, मिरर एक्सटेंड से ऐसा आ जाएगा। और शेडिंग मोड को कर देता हूँ मैं शेडिंग विद एजेस ऐसा आएगा। अब इसमें देखिए एक ये है और एक ये, तो मैं स्टार्ट करता हूँ चैम्फरिंग से, चैम्फर लेंगे और एक ये जे है, एक ये जे है, एक ये जे और घुमा लीजिए, एक इंच ये है और डायमेंशन है 10x10। तो यहाँ से आप कर दीजिएगा 10, ये कंप्लीट हो गया। और एक ये जो साइड का कट है और एक बीच का कट है, ये भी मुझे सब बनाना पड़ेगा। तो स्केच लेते हैं बीच का प्लेन और अब आ जाते हैं इस फ्रंट वाले प्लेन पे। और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया ये कुछ ऐसा और अब डायमेंशन कर लेते हैं यहाँ से इसके बीच का गैप जो है ये वाला, डबल के ये है 32 और सेम इधर से भी, यहाँ से इधर क्लिक और ये भी 32 और यहाँ से 46 ये वाला है 46 और ये ऊपर मैच होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को क्लिक करते हैं,
इसको दोनों को सिलेक्ट करते हैं और दोनों को करते हैं कॉन्सिक्वेंस और ओके। ये एक स्केच हो गया है। अब आती है बात कर्व की, तो इसको आप फिनिश करिए और इसे हम कर देते हैं कट सेंट्रिकल और ओके। ये कटा गया, फिर से स्केच सेम प्लेन और मैंने यहाँ से लिया एक सर्कल क्लिक और इसकी अब डायमेंशन करेंगे। ये है 13 का डाया और इसकी पोजीशन करनी पड़ेगी यहाँ से। ये जो सेंटर है ये वाला क्लिक, ये है यहाँ से 16 और नीचे से इसके सीध में है। या तो डायमेंशन कर दीजिए या फिर आप मिला दीजिए, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है। 46, फिर एक सर्किल और लिया मैंने और ये क्लिक करते हैं और ये जो सर्किल है बड़ा वाला ये है 35 का रेडियस, क्लिक कर दीजिए और डायमेंशन करिए 70 का डाया। लेकिन 70 के डाया में अगर आप देखेंगे सेंटर ये रखते हैं तो मैच नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसे डिलीट करता हूँ और यहाँ से लेते हैं हम एक आर्क, ये वाले आर्क लेते हैं और मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से किया और ये क्लिक। इस पॉइंट को क्लिक करेंगे और इस लाइन को और कर देते हैं कॉन्सिडेंस। फिर इस पॉइंट को लीजिए और इस लाइन को लेते हैं और कर देते हैं कॉन्सिडेंस। फिर आर्क में जाएंगे, इसे क्लिक करते हैं और इसकी डायमेंशन है 35 का रेडियस, कुछ ऐसा आ गया। और ये आर्क ऊपर वाले के साथ टेंजेंसी और क्लिक, ये कुछ ऐसा आ गया है। अब देखें ये इधर इधर जा रहा है, तो हमें क्या करना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को सिलेक्ट करके क्लिक करते हैं और कोइंसिडेंस मैच नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं अंडू करते हैं। फिर लेते हैं एक एक्सिस लाइन जो कि इन दोनों को मिलाए और ये होना चाहिए वर्टिकल क्लिक। तो शायद आप समझ गए होंगे किस तरीके से करना है। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं क्लिक और एक सिर्फ एक और एक ही डायमेंशन देनी है, ये जो कुछ भी चलेगी आप कुछ भी टाइप कर दीजिए क्योंकि मुझे सिर्फ ऊपर का कट करना है। इसके लिए मैंने ये लिया, इसे फिनिश करते हैं और यहाँ से लेते हैं पॉकेट सिमेट्रिकल, ये आ गया है और इसी को ही मैं मिरर कर देता हूँ अबाउट द प्लेन और ये शेप मेरी तैयार है। ये पूरा पोर्शन हो गया, सिर्फ ये होल बचे हुए हैं। इन होल के लिए आप होल कमांड ले लीजिए या फिर सर्किल बना लीजिए, तो कोई सा भी ऑप्शन जो भी ठीक लगे। तो मैंने लिया एक सर्कल क्लिक और इसकी डायमेंशन कर देते हैं, ये जो सर्किल है ये है 11 का डायमीटर का और सेंटर जो है इसका दिया हुआ है इधर से जो है वो है 12.5 और इधर से ये है 16 और इसको हम कर देते हैं अब मिरर, इसे सेलेक्ट करिए मिरर अबाउट दिस और फिर इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट करते हैं मिरर अबाउट दिस फिनिश और पॉकेट। तो ये हमारी ड्राइंग है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपरली कि कैसे इसे यूज़ करना है, बहुत ही आसान है और मैं पहले ही बता चुका हूँ इस पे शेडिंग अगर अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से आप ले लीजिए कौन सा वाला आप लेना चाहते हैं शेप। यहाँ पे दी हुई है, पेंट दिया हुआ है, अदर दे रखा है, फैब्रिक है, जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप ले लीजिए और अप्लाई करते हैं और क्लिक, कुछ इस टाइप से आ गया है। और एक ये रेंडर का भी ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इसका रेंडर व्यू भी ले सकते हैं, ये रेंडर व्यू आ रहा है और यहाँ से क्लिक करता हूँ मैं सिलेक्ट सीन, आप सीन भी ले सकते हैं। ये मटेरियल अप्लाई करके
मैं इसको रेंडर कर रहा हूँ यहाँ पे, ये एक रेंडर करने के लिए है और बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। तो कुछ इस टाइप से आ रहा है फाइनल आउटकम, लास्ट हमारा जो फाइनल आउटकम है कुछ इस टाइप से आने वाला है। तो होप आपको ये प्रॉपरली वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियोज़ के साथ। कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।